रात का व्यू भी दिखाऊंगा और यहाँ पे कितने रूम हैं ऊपर नीचे ये सब भी दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिए, तो देखिए आप लोग जलेश्वर का हॉस्पिटल का वो रात का व्यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो लोगों को दवाई वगैरह दिया जाता है यहाँ पे, और हम यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। और वहाँ पे जो देखिए, वहाँ पे जो सीढ़ी है वहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ से ऊपर जा के दिखाऊँगा कि यहाँ का भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, मतलब पहले जो हमारा हॉस्पिटल था तो उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है अब, क्योंकि तब जो था बिल्डिंग वगैरह नहीं था और उतना ज़्यादा मतलब फैसिलिटी नहीं थी। तो अब जो है वो बढ़िया है, मतलब विलेज के लिए तो इतना बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर वगैरह थोड़ा कम है। तो शायद कुछ दिनों में आ भी जाएगा सब। यहाँ पे लाइट दिया नहीं है क्योंकि लोग ऊपर नहीं है, तो कहता है एकदम अंधेरा है। तो ऐसे हम नीचे जाएंगे और सामने देखिए, वो जो सामने कॉरिडोर दिख रहा है तो वहाँ पे लोगों को एडमिट किया जाता है, वहाँ पे रूम वगैरह है, यहाँ पे डॉक्टर वगैरह बैठते हैं यहाँ पे। और ऐसे हम नीचे जाएंगे, हॉस्पिटल का चार्ट, डॉक्टर किस टाइम बैठते हैं और यहाँ पे देखिए, मतलब डॉक्टर वगैरह यहाँ पे बैठते हैं। तो MBBS कुछ वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, बंगाली में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये जो सारे रूम है, इस साइड का जो रूम है, ये सारे रूम पे मतलब डॉक्टर वगैरह बैठते हैं। सुबह 8:30 बजे से शुरू होती है और तकरीबन 2 बजे तक रहता है डॉक्टर, उसके बाद फिर चेंज होके दूसरा डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बढ़िया पिक्चर लगी हुई है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप लोग पढ़ लेना। तो थोड़ा शॉर्ट टाइम है मेरे पास, मैं अब घर जाने वाला हूँ क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये था हमारा हॉस्पिटल का व्यू और यहाँ पे नर्स वगैरह बैठते हैं। देखिए इस रूम पे, ये जो साइड है यहाँ पे मतलब वो रिसेप्शन है, यहाँ पे नर्स वगैरह बैठते हैं और यहाँ पे स्लिप किया जाता है जिससे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि आपको किस टाइप की बीमारी है, तो वो दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्लिप पड़ी भी है, तो यहाँ पे लोग आते हैं आके स्लिप वगैरह लेके फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इमरजेंसी वाला जो रोगी है जो चल नहीं पाते, तो उनको इस वाले बेड से लाया जाता है, उनको वो सामने वाला जो गेट है वहाँ से लाया जाता है। और कभी आप लोगों को दिखाता हूँ, और वहाँ पे लोगों के लिए अच्छी सीट दी हुई है और पंखा वगैरह भी है, वहाँ पे लोग आके बैठते हैं, मतलब जिन लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे बैठते हैं। तो इस वाले गेट पे भी लोग आते हैं, ऐसे भी निकलती भी है। और
दो गेट है, एक से निकलता है, दोनों से ही निकलता है, मतलब बढ़िया है यहाँ का व्यू। तो आप लोगों को दूर से भी मतलब हॉस्पिटल का व्यू दिखा रहा हूँ, दूर से कैसा लगता है हमारा हॉस्पिटल जलेश्वर का। तो वहाँ पे जो बिल्डिंग है वहाँ पे डॉक्टर वगैरह नर्स सब रहते हैं, वहाँ पे क्वार्टर मतलब वहाँ पे क्वार्टर है। और ये था हमारा पुराना वाला हॉस्पिटल जहाँ पे अब नर्स डॉक्टर और कुछ सभी यहाँ पे ही रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं। तो ये था हमारा पुराना वाला हॉस्पिटल। चलो पुराना वाला हॉस्पिटल में ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ पे लोग रहते तो अंदर नहीं जा सकते। हमारा जलेश्वर का हॉस्पिटल दिखा दिया, तो ये था हमारा जलेश्वर का हॉस्पिटल। और यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का लाइट वगैरह का सिस्टम सब कुछ यहीं पे है और यहीं से ही कंट्रोल किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है, मिलते हैं आप लोगों से कल मतलब अगले वीडियो पे। तो तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा कीजिए।